आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ 1 रुपए को 1000 रुपए, वो भी सिर्फ 60 मिनट्स में। ये चैलेंज मैंने अपने चैनल पे पहले भी कर रखा है, तब मैंने लिए थे 24 आवर्स टू कन्वर्ट 1 रुपीज इंटू 1000, बट आज का चैलेंज बड़ा है। आज मुझे 1 रुपए को 1000 रुपए में बनाना है, वो भी सिर्फ 60 मिनट्स। 60 मिनट्स 1 रुपए से 1000 रुपए, क्या मैं बना पाऊंगा? नहीं, टाइम चालू हो गया, लेट्स गो। आ जाओ भाई, ये ना थोड़ा टेंस माहौल है, क्योंकि मेरे को ना सबने ये बोला था कि 1 घंटे में 1000 रुपए नहीं बन सकते। मैंने कहा कोशिश करेंगे। भैया 1 रुपए की कोई टॉफी है? 1 की कोई टॉफी नहीं है? 1 रुपए की टॉफी नहीं है, ऐसा तो बड़ा मुश्किल काम है यार। मेरा तो टाइम ही खराब हो गया। आज आइडिया है, सुनो, पेन या पेंसिल है? देना देना देना, पेन दे दो, पेन दे दो, जल्दी पेन दे दो, पेन पाउच नहीं, पूरा पेन, पेन दे दो एक, ये लो 1 रुपए मेरी तरफ से पेन के बदले, थैंक यू। मैंने 1 रुपए दे के पेन ले लिया है, ट्रेड मेरा सक्सेसफुल हो गया। अब मैं ये पेन बेचने वाला हूँ, ये है ऑक्टेन, 10 रुपए का तो होगा। अंकल नमस्ते, ये पेन देना मैंने आपको, स्पेशल पेन है, अभी किसी बच्चे से लिया है, तो 20 रुपए का, 10 रुपए का, कॉइन भी चलेंगे, अगर 10 ही दे दो कोई नहीं, चलो थैंक यू अंकल, ये पेन आपका, डील, ग्रेट डील, आ जाओ, 10 रुपए हो गया। एट दिस मोमेंट मुझे पता चल गया था कि सिर्फ कुछ चीजों को ट्रेड करके मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो आई हैड टू स्ट्रेटजाइज। क्या ले? अगर मैं नींबू लेता हूँ और पानी लेता हूँ, नमक लेता हूँ, कितने का पड़ेगा? 10 रुपए। 10 का पड़ेगा, पक्का? ले आओ जल्दी जल्दी आओ, मतलब मेरे को पता था इतने का ही पड़ेगा, वैसे इन्होंने 10 ज्यादा बोले हैं। नींबू अगर मैं अलग से भी लूंगा तो 5 रुपए का होगा, पानी हाँ मतलब 10 रुपए ही पड़ना चाहिए। तो एक कितने का पड़ेगा? एक सर पड़ेगा आपको 4 रुपए। और पानी की बोतल? पानी की 6 रुपए की। और ग्लास फ्री? आ जाओ। लोगों का झूठा उठाना पड़ रहा है, काटा नींबू भाई, वेस्ट हो गया, एक से काम चलाना पड़ेगा। पता है मैंने ना गलती कर दी, इसके 2 ग्लास बन जाते। बना हुआ नींबू पानी मेरे हिसाब से 20 रुपए का तो बिक जाना चाहिए। भैया नींबू पानी पियोगे? नींबू पानी पियोगे? पियोगे? 20 रुपए, ये पी के बताओ कैसा है? आपने बनाया? हाँ मैंने बनाया अभी, अब पता नहीं कैसा होगा। बहुत बढ़िया है, सही बताओ। एक्चुअली मेरे लिए बढ़िया है, मेरे को फीका पसंद है। इसमें नमक नहीं है क्या? लेट्स गो, 20 हो गए, थैंक यू सो मच बाबा। अंकल नमस्ते, आपके भी नींबू पानी? लाओ दो, लाओ दो, एक ही चाहिए, एक और नींबू पानी, प्रॉफिट बनेगा। आ जाओ भैया, एक नींबू और एक ग्लास और एक नमक और देना। भैया नींबू पानी पियोगे? पी लो यार, 20 रुपए का बस। लाओ डालो डालो, एक और डालो, और डालो जल्दी। हाँ थैंक यू, ये पकड़ो 10 काटो, एक स्ट्रॉ फ्री में लेता है, किसको पता नहीं चलेगा। भैया स्ट्रॉ लिया मैंने, एक और नींबू पानी लो अंकल, स्पेशल आपके लिए। अंकल बहुत क्यूट है। जैसे ही अंकल ने मेरा बनाया हुआ लेमनेड पिया, ओए होए होए, उनको तो मजा ही आ गया, हिज माइंड वाज कंप्लीटली ब्लोन। उनको देखकर वहां पर जितने लोग भी खड़े थे भाई, उनका भी मन करा ये लेमनेड पीने का। पियोगे क्या नींबू पानी? 20 की पिला दे, 2 जानों के 40, ठीक है लेके आया, 2 कस्टमर और मिल गए भाई, आ जाओ। भैया ये लो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा है, मतलब मजाक नहीं करना, बुरा है तो बता दो। ये कितने अंकल? 40। ओए ये 20-20 के सिक्के मैंने पहली बार देखे, मैं कहा अंकल लूट रहे, थैंक यू भैया, आ जाओ। मैं चाहता था कि मैं अपना मिशन पूरा का पूरा इसी बिजनेस से कर लूं, बट पीछे जूस वाले भैया की मेरे बिजनेस पर नजर थी। मजाक करो, वो तो मेरी हेल्प ही कर रहे थे, बट इट वॉज टाइम कि मैं पैसे कमाने का तरीका तेज करूं। अब अपना बिजनेस आइडिया थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आइडिया आ जाओ, कैसे भैया? एक व्हाइट शीट चाहिए और एक मार्कर चाहिए, मतलब मार्कर तो सिर्फ लिखने के लिए भी चाहिए, एक व्हाइट शीट चाहिए। ये कितने की शीट? ओके फिर बहुत बढ़िया, कितने का मार्कर? अरे अगर सिर्फ लिखने के लिए वापसी दे दूँ तो दिक्कत तो नहीं ना। इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत ही खुराफाती आइडिया चल रहा था, एंड मुझे फुल इंट्यूशन आ रही थी कि अगर ये बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो मैं 60 मिनट से पहले अपने सारे के सारे पैसे कमा लूंगा एंड मिशन पूरा कर लूंगा। आ जाओ। अब मैंने अपना बिजनेस प्लान चेंज कर लिया है, अब मैंने लिख लिया है इफ आई मेक यू लाफ यू पे मी 500 लिख दिया, वैसे मैंने गलती से 50 लिख रहा था, चलो वो बार्गेनिंग चलेगी। और अभी मैं 45 रुपीज प्लस में हूँ, तो आओ। हेलो, मेरे साथ एक गेम खेलोगे? अगर मैंने तुम्हें हंसाया तुम लोग को 50 रुपए दोगे। बुर्ज खलीफा, पता है ना क्या बुर्ज खलीफा? मियां खलीफा नहीं, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा को आज से 80 साल बाद क्या बोलेंगे? ये हजा 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 भाई, इसने ये दुष्यंत कुकरेजा की रील्स देख रखी है इसलिए हंस लिया। लाओ भाई 50 रुपए लाओ, खोजने पड़ेंगे अब, खोजो भाई जल्दी खोजो। लेम जोक्स टाइप कर रहा था, एकदम से दुष्यंत बाहर आ गया, मैंने कहा दुष्यंत यू आर माय बेस्ट फ्रेंड बट ऐसी रील्स तू ही बनाता है।
लाओ, थैंक यू सो मच। और किसी को हंसाते हैं 50 रुपए और, अब मैं हो गया हूँ 95 रुपीज पे। आ जाओ। हेलो हेलो हेलो, तुम मेरे साथ एक गेम खेलोगे? अगर तुम हंसे तो तुम मेरे को पैसे दोगे 50 रुपए। वैसे 500 था पर 50 ठीक है। अगर युजवेंद्र चहल है ना, जो चहल बॉलर इंडियन टीम का, उसको विराट कोहली ने बोला मुझे ना एक कोक की बोतल दो, तो वो जाके रोहित शर्मा को पकड़ा दी। पूछो क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा ओपनर है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे को लग रहा था मैं इनको हंसा दूंगा, बट ये बच्चे इम्यून थे, ये हंसना ही नहीं चाह रहे थे। यहाँ पर मेरा प्लान एकदम चौपट हो रहा। भाई कहीं और जाके हंसाना लोगों को। भैया कैसे हो? अगर आप हंसे तो आपको 50 रुपए देने हैं। तो अक्षय कुमार की जो बीवी है ट्विंकल खन्ना, वो बड़ी सुपरस्टार क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। नहीं 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 नहीं, ऐसा क्यों हो रहा था? आई थॉट ये सबसे अच्छा जोक था और ये नहीं हंसे। शिट, इंस्टाग्राम पे जो लड़के नाइस पिक डियर लिखते हैं, वो जब कोई लड़की मरती है तो उसके ऊपर क्या लिखते हैं? नाइस कब्र डियर। प्लीज हंस दे, प्लीज हंस दे, हंस दे यार, हंस दे ना, क्यों नहीं हंस रहा? बुर्ज खलीफा को 80 साल बाद क्या बोलेंगे? बुजुर्ग खलीफा। At this moment, I actually lost hope. मुझे लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, but भैया एक गेम खेल रहा मेरे साथ, ठीक है? अगर आप हंसे तो आपको मेरे को 50 रुपए देने हैं। हंसने से आपका बेनिफिट क्या होगा? आपका खून बढ़ेगा, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज होती है, फेस पे ग्लो आएगा। अक्षय कुमार की जो बीवी है ट्विंकल खन्ना, वो कभी भी बड़ी स्टार सुपरस्टार क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। कोहली ने चहल को बोला जा मेरे लिए कोक ले, ठीक है? चहल गया और जाके उसने रोहित शर्मा को पकड़ा दी। तो ऐसा क्यों करा? क्योंकि रोहित शर्मा ओपनर है ना। ये भी बढ़िया था, वो भी बढ़िया था। अब दो जाने हंस गए, 100 रुपए का इंतजाम करो, चलो जल्दी। भैया तो ऐसे कह रहे, 50 लगेंगे। मैंने कहा भाई 50 नहीं 100 लगेंगे, चलो आगे। फाइनली इट वॉज टाइम कि अब हमें अपना बिजनेस प्लान चेंज करना होगा, एंड मेरे माइंड में था एक मास्टर प्लान। ये मेरे लाइफ का बेस्ट प्लान होने वाला है, हमारी पूरी मनी सीरीज का ये बेस्ट प्लान होने वाला है। भाई मेरा दिमाग घूम चुका है, अब मैंने सोचा है कि मैं ना रॉक पेपर सीजर, मतलब अपना जो स्टोन पेपर सीजर होता है, वो खेलूं रैंडम बंदों के साथ और उनसे उनको हराऊं। भैया स्टोन पेपर सीजर खेलोगे? नहीं। स्टोन पेपर सीजर खेलोगे? पैसों का चलो 50 रुपए का। आज मैं क्या फायदा खेलना भाई, बड़ा खेलो कुछ। भाई एक सेकेंड इधर आ जाओ, पहले 50 का खेलते हैं फिर 100 का खेल लेंगे, ठीक है? भाई मैं 200 रुपए ऊपर हूँ, नीचे भी आ सकता हूँ, इसलिए टेंशन नहीं। चलो रॉक पेपर सीजर शूट, 50 रुपए, 50 अप, 245। रॉक पेपर सीजर शूट, अबे यार मैं 100 रुपए हार गया। एक और 100 रुपए का, नहीं 150 का। रॉक पेपर सीजर, रिस्क है यार, मैं पूरा नीचे डाउन हो जाऊंगा अगर मैं हारा तो। रॉक पेपर सीजर शूट, रॉक पेपर सीजर शूट, रॉक पेपर सीजर शूट, यस यस यस, लव भाई 150 रुपए। अब मेरे पास फाइनली हो चुकी है 150, 100, 250, 295 रुपीज। लेट्स गो, 1000 कंप्लीट करना। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आई स्वेयर भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं आज के बाद पैसे लगा के रॉक स्टोन पेपर सीजर नहीं खेलने वाला। जब मैं 100 रुपए हार रहा हूँ, मैं डिप्रेस हो गया था भाई, मेरी हार्ट बीट नीचे आ गई थी, मैं मरने वाला था भाई कसम से। स्टोन पेपर सीजर आता है? स्टोन पेपर सीजर हाँ आता है। एक गेम हो जाए 50-50 रुपए की। स्टोन पेपर सीजर, यस जीत गया। लो 50। अब 50 की और है, मतलब स्टोन पेपर सीजर। I am so good at this game guys. 100, 200, 300, 350, 395। अब ये 395 रुपीज लेके मैं निकल गया था एक नए बिजनेस की तलाश में। मेरे को बड़ा हाथ मारना है, बिकॉज 30 मिनट्स प्लस हो चुके हैं और हम 40% पे है। 600 रुपए कमाने के लिए तो कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने डिसाइड कर लिया था मैं करूंगा एक बड़ा बिजनेस, मैं करूंगा किसी के साथ पार्टनरशिप। पर या आधे घंटे में 500 रुपए कमाने का कोई तरीका है? मैं कर दूं, ये मोट का चोरी मैं बना के बेच दूं। अगर मैं कर दूं तो मेरे को पैसे दोगे हाफ हाफ प्रॉफिट? सिलाई करने पे आप कह रहे हो 100 रुपए दोगे, करते कैसे सिलाई? मैं बनाऊं भाई, खाएगा मोट का चोरी, खा ले यार, लाओ बेचो यार इनको, 50-50 प्रॉफिट है हमारा, ठीक है? ये इतना क्यूट बच्चा है, ये खाना खा के आएगा तो ऐसे कैसे चलेगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो, लाओ भाई मोट का चोरी लगाओ। अरे तू भी खा यार, अरे खा यार, खा 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 यार, आजा यार
आजा 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 भाई, कितना प्यारा सा लड़का तेरी स्माइल। आजा आजा, तीन बंदे हो गए। तीन तीन तो लगा भाई, जल्दी लगा। चार चार कचौड़ी कितने की है? 100 रुपए की। और मेरे को कितने मिलेंगे? 50-50। भाई 100 रुपए की कचौड़ी जा रही है और मेरे को हर कचौड़ी में 50 रुपए मिल रहे हैं, तो चार कचौड़ी बेचने पे अब चीटिंग नहीं। बाबू दे दे यार, बाबू बाबू दे दे यार, ऐसे ना कर बाबू। लाओ लाओ 100 रुपए निकालो सब, चलो निकालो भाई। भाई गोलू गोलू भाई, मेरा चैलेंज चल रहा है। गोलू कचौड़ी खा ले। सीरियसली गोलू को तुम लाइटली मत लेना, वो हमारे मिशन का सबसे क्रूशियल हिस्सा बनने वाला है। जस्ट कीप वॉचिंग टिल द एंड। भाई 18 मिनट रह गए, जल्दी करो। अरे बनगी, जल्दी 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 कचौड़ी खाओ, खाओ स्वाद है। ले भाई, ले बाबू। बाबू तो हरी मिर्च भी खिला। भाई 1, 2, 3, 4 बंदों ने पैसे दे दिए और मेरी कमीशन 200 रुपए मेरी कमीशन। और अब मेरे पैसे कितने हो गए? रुक जाओ, हिसाब लगा दो। कोई पैसे कमाने का तरीका बताओ जल्दी। 5.99, 5, 400 रुपए कमाने हैं, मेरे पास 15 मिनट है, जल्दी बताओ क्या करा जाए। ओके थैंक यू सो मच। ये किस लिए है? ऐसे ही हमारी तरफ से। कितने क्यूट फैंस। अब मैं ये चॉकलेट इन्होंने फ्री में दिए, मैं ये वैसे मैं बहुत प्यारे बच्चे पर मैं बेचूंगा। 14 मिनट, 2 चॉकलेट और 595 रुपए। भाई 13 मिनट बाकी है। भाई चॉकलेट खरीदोगे? खरीदेगा? कितने की खरीदेगा? भाई 10 रुपए की। चलो ठीक है, अरे चलो चलते हैं। 10 की 1 है तो 2 देना। चल एक ही दे ले यार, 10 रुपए। अब 8 मिनट बचे हैं, 605 रुपए मेरे पास है। जिस बेचारे की चॉकलेट जिसने मेरे को दी थी इतने प्यार से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा मैं बाकी चॉकलेट नहीं बेचूंगा, मैं चॉकलेट अपने पास ही रखूंगा। और ये गोलू, रिमेम्बर गोलू, तो मेरा प्लान गोलू के साथ है कि इसके पापा को फोन लगाओ, मैंने इसको किडनैप कर लिया। ये ना चॉकलेट का कहा किडनैप है। लास्ट 6 मिनट, भागो भागो भागो। भैया मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है, मुझे कोई ऐसी आइटम बताओ जो मैं आपसे सस्ती खरीद के महंगी बेच सकूं आगे। बाय वन गेट वन ऐसी कोई चीज दो, 500-500 रुपए प्लस एक साथ हो जाए। परफ्यूम ये कितने दो का है? 345 के हैं। ये दोनों कर दो। चलो भैया बिलिंग करो, जल्दी बिलिंग करो। 345। भाई अपने को बेचना है परफ्यूम। भैया आप ही खरीदोगे? 361। डिस्काउंट नहीं दे रहे कोई? लास्ट अब हमारी कोशिश है, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, हमारे को ये परफ्यूम बेचने हैं 350-350 रुपए का एक। कहाँ बेचे, किसको बेचे? तेरे पापा लेंगे? नहीं। तूने कहा था ले लेंगे। चीटिंग मत कर, चल जल्दी चल। भाई गोलू किसी तो काम आएगा, लेट्स गो। इस मोमेंट पे मेरी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी क्योंकि टाइम बहुत कम था, पैसे बहुत ज्यादा बनाने थे। चलो 3 मिनट रह गए, जल्दी कर जल्दी। धूम मचा ले, धूम मचा ले। एंड अगर गोलू का प्लान काम नहीं किया तो इट्स गेम ओवर। ओह भाई चलो लास्ट 2 मिनट, आजा जल्दी आ गोलू। अरे जल्दी चल भाई, चल 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 चल। कैसे अंकल? ये अंकल तो बिल्कुल बाली जैसे नहीं लगते, जो सिंगर बाली है। अभी आपके लिए ना बड़ी इंपॉर्टेंट डील है, हमारे पास टाइम 1.5 मिनट बचे हैं, आपको ये परफ्यूम लेने हैं हमसे। एक बार आप फ्रेग्रेंस देख लो, बहुत अच्छी है। 350 का एक है। डील डन करें? डन है। 700 रुपए में 2 परफ्यूम। लाओ अंकल जल्दी, लो जल्दी लो जल्दी लो, मेरा टाइम खत्म होने वाला है। 1 मिनट, मेरे पास पैसे कितने बचे हैं? निकालो अंकल। अंकल थोड़ा वेट नहीं कर रहे। 50, 100, 200, 230, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 35, 65 रुपए कम पड़ गए हमारे चैलेंज में आज। इतने लोगों ने मेरी मदद करी, सब्सक्राइबर्स ने मदद करी, रोड साइड वेंडर्स ने मदद करी, गोलू ने, गोलू के डैडी ने, मतलब आई एक्चुअली वांटेड कि मैं मिशन कंप्लीट कर लूं एंड मुझे एंड तक लग रहा था, बट इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, मुझे बहुत मजा आया। भाई मैं इतना सही जा रहा था एंड एक्चुअली मुझे लगा था मैं 1000 रुपए कंप्लीट करने वाला हूं, बट जब मैंने हिसाब लगाया तो आई फेल शॉर्ट ऑफ 65। बट बहुत मजा आया मेरे को। वो परफ्यूम 800 रुपए का बेचना चाहता, बट मैं मतलब MRP से ज्यादा भी नहीं बेचना चाहता, वो बहुत बुरा लगता है। बट फॉर ऑल द एस्पायरिंग क्रिएटर्स जो लाइक यूट्यूब पे चैलेंज वीडियोस करते हैं, आप ये चैलेंज लो, 1 घंटे का 1 रुपए को 1000 रुपए में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। मैं अपने सेकंड चैनल पर रिएक्ट करूंगा और बहुत मजा आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।